अस्सलाम वालेकुम, फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जियो न्यूज़ से, हेड ऑफ जेंडर भी हैं, बहुत खूबसूरत बोलती भी हैं, बहुत खूबसूरत दिखती भी हैं और कराची आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हैं। बहुत सालों से हम उनसे सीख भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम शहजादी, तुमने इतना लंबा तारुफ करा दिया मेरा, लेकिन तुम खुद माशाल्लाह इतनी प्यारी और बहुत अच्छा बोलती हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, बहुत सालों से आप भी इसका हिस्सा रही हैं, हम लोग भी आते जाते रहे हैं, देखते रहे। आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि ये तो हर साल एक सिलसिला चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद उर्दू के फ़रोग के लिए कहाँ तक काम हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कोशिश है। और जब आप कहते हैं ना, गाड़ी को एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं और गाड़ी तेज़ी से आगे जाती है और आप पैर हटा भी लेते हैं तो गाड़ी कुछ देर तक चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से उर्दू कॉन्फ्रेंस उन तमाम कोशिशों को एक्सेलरेट करती है जो कि पूरा साल हो रही होते हैं, और ये एक ज़बरदस्त पुश लगाती है। उसके बाद उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है और ये गाड़ी जो है ये चलती रहती है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उर्दू के फ़रोग के लिए, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जाता है। और इसीलिए कोशिश ये होती है कि हर साल मुनक़िद हो, ताकि वो इम्पैक्ट टूटे नहीं, बीच में वो कारवां टूटे नहीं और चलता रहे। बेशक। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को बड़ी शिकायत है, शायद उसका हम लोग हिस्सा बने। वो कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान को जो फ़रोग पहले था, या जिस तरह पहले ही उर्दू बोला करते थे लोग, और कहते थे कि अगर आपको उर्दू तलफ़ुज़ कुछ गलती हो रही है कुछ है तो आप खबरें सुने, तो आजकल के हमारे एंकर्स उस तरह उर्दू बोल पाते हैं जिस तरह की पहली हमारे जो एंकर थे वो बोला करते थे? नहीं, देखिए, कोई भी ज़बान हो, अगर आप पिछले दौर से उसका मुवाजना करेंगे, चाहे आप अंग्रेज़ी उठा लें, चाहे आप फ्रेंच उठा लें, चाहे आप अरबिक उठा लें, चाहे आप टर्किश उठा लें, तो जो पिछले दौर से जब भी आप उसका मुवाजना करेंगे तो वो उसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा। मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि आप में उसमें गिरावट दिखाई देगी, कमी दिखाई देगी, फ़र्क दिखाई देता है। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हम उर्दू में भी देख रहे हैं कि अब उर्दू उस तरह की नहीं रही। उर्दू एक तहजीब की ज़बान होती थी, लेकिन शायद अब तहजीब बदल गई है हमारी, इसलिए ज़बान के अल्फाज भी बदल गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम पहले आम फहम नहीं हुआ करती थी या ना मुनासिब समझी जाती थी बोलने में, अब वो हर जगह इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो जब न्यूज़ की बात आती है तो न्यूज़ में आपको वो ज़बान इस्तेमाल करनी होती है जो आम फहम हो, गलत नहीं हो लेकिन आम फहम हो। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है और उसमें आपको वही चीज़ें सुनाई देती हैं, बहसियत अगर आप ज़बान की बात करें, जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी एक्सेप्टेबल कह दिया। एक ज़माने में जब आप उर्दू में ख़बरें पढ़ते थे तो आप एक्सेप्टेबल नहीं बोल सकते थे, लेकिन जब आप लाइव अब करते हैं तो आप उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आम फहम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से गलत बोलना एक अलग चीज़ है, और उसको आसान सादा होता जाना, उसका सलीस होता जाना और अवामी होता जाना एक अलग चीज़ है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू कर रही हैं और उर्दू माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप बोल रही हैं। अब हम ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, उर्दू के फ़रोग के लिए अगर कोई है वो कहना चाहे कि मैं उर्दू के फ़रोग के लिए क्या किरदार अदा करूँ, तो आप क्या चाहती हैं कि नौजवान नस्ल इस उर्दू के फ़रोग में अपना कैसे किरदार अदा करें? देखिए, सबसे पहले तो नौजवान नस्ल को ये समझना चाहिए या हमारी नस्ल को ये समझाना चाहिए कि उर्दू ज़रूरी है। आज के यंगस्टर से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं उर्दू क्या है, हम क्यों सीखें उर्दू या हम क्यों पढ़ें उर्दू, तो वो फ़रोग तो उसको तब देंगे ना जब वो उसकी अहमियत समझेंगे। हमने खुद अंग्रेज़ी से हम इतने मरूब हो चुके हैं कि हम शायद समझते हैं कि स्टेटस सिंबल बन गया है अंग्रेज़ी, उर्दू आए ना, बल्कि उर्दू का ना आना भी स्टेटस सिंबल है, क्योंकि मुझे तो उर्दू आती नहीं है। तो सबसे पहले और इस चीज़ का एहसास मैं अपने बच्चों को इसलिए करवा सकी, एक्सपोजर से चीज़ें आती है, कि मैं जब एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गई तो वहाँ पर एक जगह मुझे मकाला पढ़ने के लिए उन्होंने दिया, और जब मैंने वहाँ मकाला पढ़ा उर्दू में तो वहाँ पर लोगों ने आके बड़ी तारीफ की कि आपकी बड़ी अच्छी उर्दू है और बहुत शुस्ता उर्दू है बहुत। तो मेरे बच्चों ने ये चीज़ महसूस की कि उर्दू की तो बड़ी वैल्यू है। मैंने उनको भी यही समझाया कि जिस तरह पाकिस्तान में हम समझते हैं कि आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप जाएँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, तो अगर आपको अच्छी उर्दू बोलनी आती है तो लोग आपको तहज़ीब याफ्ता और पढ़ा लिखा मानते हैं। तो पहले तो बच्चों को ये कन्विंस करें कि उर्दू एक पढ़ी लिखी ज़बान है और उर्दू का फ़रोग होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जो रोमन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, ज़बानों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी आती हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने उर्दू का स्क्रिप्ट ख़त्म कर दिया है, और अगर ज़बान का स्क्रिप्ट ख़त्म कर दें आप तो वो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। तो मेरे ख्याल से जो आजकल ड्रामे लिखे जा रहे हैं, जो फिल्में लिखी जा रही हैं, हमने बहुत सी जगहों पर जो स्क्रिप्ट है वो रोमन में आना शुरू हो गया है,
तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको चाहिए कि वो उसको उर्दू में करें, ताकि जो एक्टर्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं हमारे, वो भी उर्दू पढ़ना शुरू करें। ठीक है, हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन आ रही है वो रोमन करते करते उर्दू की स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है और अब वो बिल्कुल, तो आई थिंक कि हमें सबसे पहले बच्चों को बताना है कि उर्दू ज़रूरी है, फिर उसके फ़रोग की वो कोशिश करेंगे और उसको उसकी अहमियत बतानी है। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब तक जिस ज़बान में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ना मिले, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करने जा रही हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा तो वो ज़बान ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। उर्दू अच्छी बोलने वालों का इकोनॉमिक बेनिफिट इतना नहीं मिलता जितना अंग्रेज़ी अच्छी बोलने वालों को मिलता है। तो आई थिंक अगर हम ये चीज़ थोड़ी सी स्विच कर सकें तो भी आगे बहुत बेहतरी है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि हमें उर्दू के फ़रोग के लिए इकोनॉमिक तरीके से भी इसको आगे बढ़ाना होगा। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारा आज का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है जो हम अपने मेहमान को देंगे, ताकि ये जब भी देखें तो उन्हें याद आए कि ये फेरिस के मेहमान बने थे। मैम, ये हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी टीवी चैनल्स आ रहे हैं, बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हुआ है। इतने लोगों को मैं देखती हूँ रोज़गार मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी आगे तरक्की की जानिब जाना चाहिए, और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि आप लोग बहुत कामयाब। नाज़रीन, मेहमानों का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ।